हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिटेल्स कवर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर वैकेंसी। 70 पोस्ट्स हैं, सभी के सभी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। यूजीसी 7th पे स्केल ऑफर हो रही है, मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है ये, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, तो किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट एलिजिबल होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल दें, क्योंकि यूजीसी 7 पे स्केल ऑफर हो रही है। और इससे भी बड़ी बात की ये सभी रेगुलर पोस्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया एडवर्टीजमेंट में। तो पूरी डिटेल कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। मैंने एक फेसबुक ग्रुप भी क्रिएट किया है, अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। आज मॉर्निंग में मैंने वहां पर एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट की, एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग / लाइब्रेरी पोजीशंस। तो फेसबुक ग्रुप पर अलग जॉब्स पोस्ट होंगे, यूट्यूब से डिफरेंट रहेंगे वो, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। इसके लिए अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मेरी फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं अपडेट्स के लिए, जॉब अपडेट्स एंड बाकी के अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आई, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड सुटेबल इंडियन नेशनल्स। तो कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है एलिजिबल होने के केस में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजिशन, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू ओपन कंपटीशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, तो ये रेगुलर बेसिस पर होने वाली है, यहाँ मतलब कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। आगे बात करते हैं कि लास्ट डेट इसकी 19 नवंबर है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। हार्ड कॉपी भी आपको एक भेजनी है जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज कल से शुरू होगी, 19 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। ये सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ टीचिंग पोजिशंस, इस तरीके से कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज और सारी चीजें बाइफर्केशन दी हुई हैं। मैं आपको मेन कैटेगरीज बता देती हूँ, ये इस तरीके से काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें टोटल 70 पोस्ट्स बनते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, इसके पहले आप इसकी पे स्केल भी देख लें। सबसे पहले पे स्केल हम देखते हैं, फिर हम जानते हैं कि वैकेंसीज कहाँ से आई हैं और क्या क्या एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स हैं। प्रोफेसर के लिए लेवल 14 होगी, जहाँ पे 1,44,000 से लेके 2,18,000 की पे स्केल है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A पर ज्वाइनिंग होगी, 1,31,000 से लेके 2,17,000 की पे स्केल है, पे रेंज है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,000 लेवल 10 पर एंट्री लेवल पर ज्वाइनिंग होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट प्रोफेसर 17, एसोसिएट प्रोफेसर 28 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 25, 70 पोस्ट्स हैं। अब सब्जेक्ट्स और यूनिवर्सिटी हम देखते हैं। ये वैकेंसीज आई हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से। तो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, एलिजिबल हैं तो जरूर एप्लीकेशन डाल दें। सब्जेक्ट्स पहले हम चेक करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फी बहुत ज्यादा नहीं है और ये परमानेंट पोस्ट अगर ऑफर कर रहे हैं तो चलिए सब्जेक्ट्स हम स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल आपको रीड आउट कर देती हूँ, बाकी एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो खुद देख लें। जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें रिक्वायरमेंट है वो है सोशियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैनेजमेंट वाले मीन्स MBA वाले, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थॉट, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर है, यहाँ पे असिस्टेंट नहीं है। कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन में, एशियन लिटररी स्टडीज है, लिटररी, तो ये सारे ब्रांचेस हैं इसके। कंपैरेटिव लिटरेचर में आप डिटेल इसकी देख लें, इंग्लिश में है, चाइनीज में, जर्मन में, हिंदी डिपार्टमेंट में, गुजराती एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, डायस्पोरा स्टडीज में, केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, वैकेंसीज हैं। इसके बाद लाइफ साइंसेज में, डिटेल आप यहाँ पर देखें, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल साइंसेज वाले भी डाल सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में, नैनो साइंसेज में, ये पूरी बाइफर के डिटेल दी हुई है, पढ़ लें आप। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, नॉन वेस्टर्न, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, लॉ में भी आप कर सकते हैं अगर साइबर लॉ की आप स्पेशलाइजेशन की हुई है तो, न्यूक्लियर इशू, लॉट ऑफ
थिंग्स गिवन हियर, यू कैन सी द डिटेल। इसके अलावा और मैरीटाइम सिक्योरिटी स्टडीज डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी स्टडीज में है। इस तरीके से ये सारे ब्रॉड एरियाज हैं, ब्रॉड डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। अगर इन सब्जेक्ट में नेट सेट या पीएचडी आपने की हुई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये यूनिवर्सिटी की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की है रिक्वायरमेंट, इसलिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस का होना मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर वेटेज जरूर उनको मिलेगी, प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर वन हार्ड कॉपी भेजनी है इस एड्रेस पर, यहाँ पर पेज नंबर 13 पीडीएफ में यहाँ पर दी हुई है ये फॉर्मेट इस तरीके से। तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1911 है। इसके अलावा बाकी के डिटेल्स यहाँ पर अच्छी तरीके से दी हुई है। फीस एक्सेट्रा हम चेक करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ फी है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपीज़ फी है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए फी नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी एप्लीकेशन फी। तो ये इसकी डिटेल है। चलिए अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम देख लेते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन सेक्शन में न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन टीचिंग एडवर्टीजमेंट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन होती है। वहाँ पे आप थरोली उसको रीड करें इंस्ट्रक्शंस को और बाकी डिटेल्स को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एप्लीकेशन डालने के पहले थरोली रीड आउट करें। एलिजिबल होने के केस में ही आप उसमें एप्लीकेशन डालें, क्योंकि एप्लीकेशन फी भी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है, परमानेंट वैकेंसी है ऐसा मैंने आपको बताया, जैसा उसमें लिखा था प्रेस नोटिफिकेशन में। पेज नंबर 19 पर आपको मिलेंगे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एंड एलिजिबल कैंडिडेट है, स्टेप टू बी फॉलोड फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सारे स्टेप अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है तो यहाँ पर आपको चेक करनी है। 19 अक्टूबर 2020 से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक एक्टिवेट होगी, तो आज आप चेक ना करें, कल से 19 अक्टूबर से चेक कर सकते हैं। जो एसटी एससी या लो इनकम वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ फॉर्मेट नीचे दी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ये आप अच्छे से रीड आउट करें। काफ़ी फॉर्मेट्स भी नीचे दिए हुए हैं, उसको आपको देखना है एनेक्सियर में कि फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट ये यहाँ पर अटैच की हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं अलग अलग, बैकवर्ड क्लासेस फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, इस तरह से काफ़ी लंबी है, 45 पेजेस की पीडीएफ है। इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें, थरोली समझें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।